नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, कोरोना वायरस से डगमगाई देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए और इसके साथ ही इस संकट की घड़ी को अवसर में बदलने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 20,97,053 करोड़ रुपए के पैकेज को 5 चरणों में घोषित किया जा चुका है। आखिर क्या है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, इससे लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा, साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था में क्या कुछ सुधार इससे आएगा, यही जानने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं महिपाल सिंह यादव जी, जो कि प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस हायर एजुकेशन भोपाल से। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है महिपाल जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान हर किसी के मन में अब विचार आ रहे हैं कि आखिर ये है क्या। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार का COVID-19 जो महामारी है उसके तारतम्य में लेकर आया गया है। और इस अभियान के अंतर्गत दो बातें हैं, एक जो राहत पैकेज देना, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आना। भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इस प्रकार के राहत पैकेज की और इस प्रकार के अभियान की अत्यंत आवश्यकता थी। और इसको अभियान क्यों कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 L पर बहुत फोकस किया है, लैंड पर, लेबर पर, लिक्विडिटी पर और लॉ पर, भूमि पर, श्रम पर, तरलता पर और कानून में सुधार लाने के लिए। और इसके अंतर्गत उन्होंने इस दायित्व को पूरा करने के लिए भारत की वित्त मंत्री के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की 5 चरणों में घोषणाएं कराई गई, जिसमें जो प्रथम चरण है वो मुख्यतः जो हमारी सूक्ष्म या मध्यम आकार की या छोटे आकार के जो उद्योग धंधे हैं उनके लेकर थी। और दूसरी जो हमारी घोषणा हुई वो मुख्यतः जो थी वो जो हमारे अप्रवासी श्रमिक हैं, जिनको हम माइग्रेंट लेबर के नाम से अंग्रेजी में बोलते रहते हैं, वो जो है ना बड़े बड़े शहरों से अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको उनके लिए काफ़ी सारे राहत घोषणाएं उनमें की गई है। और तीसरा हमारा कृषि क्षेत्र को पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र में किस प्रकार किसान भाइयों को सुविधा दी जा सकती है ऋण के माध्यम से, या किस तरह से कृषि में आने वाले समय में सुधार किया जा सकता है, वो पैकेज लेकर आए हैं। चौथा जो हमारा पैकेज है, जो बड़ा पैकेज जो माना जाता है, उसमें जो बात की गई है वो पैकेज के साथ साथ उसमें आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप रहेगा, FDI का क्या स्वरूप रहेगा, कोयला में किस तरह से निवेश होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से निवेश होगा, इस तरह से यूँ कह सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक राहत पैकेज के साथ साथ आने वाले समय में भारत की अर्थनीति किस प्रकार की होगी इस पर ध्यान दिया गया। बिल्कुल, तो इसे एक राहत पैकेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर इससे मिलने वाले फायदों की हम बात करें तो विशेष तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि वो किसी कारखाने में काम करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, अपने घर से दूर रहते थे, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत से अधिकतर मजदूर ऐसे हैं जो कि अपने घर वापस आ चुके हैं, तो ऐसे में राहत के लिए क्या कुछ योजनाएं उनके लिए, क्या कुछ राहत उनके लिए प्रदान की जा रही है? प्रवासी मजदूरों के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले 3500 करोड़ रुपए का मुफ्त अनाज बांटने का या वितरण करने का प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें जो रखा गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 5 किलो चावल या गेहूँ, 1 किलो चने की दाल या किसी दूसरी अन्य दालें इसमें दी जाएंगी। साथ ही इसमें जो है ना, ताकि लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट जो इन मजदूरों के सामने है वो खाने का समस्या का था, तो खाने की समस्या को इस तरह से हल करने का, और ये सारा काम हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके माध्यम से किया जाएगा, ताकि लोगों को दोनों टाइम पूरी तरह से खाना मिल सके। और इस पर लगभग 3500 करोड़ रुपये भारत सरकार खर्च करने जा रही है। और इसमें जो है जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है कि लोग कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई सूरत में रह रहा है, तो अलग अलग जगह पर रह रहे हैं,
और उनके पास वहाँ राशन कार्ड की सुविधाएं नहीं है, तो उसके लिए भी भारत सरकार एक राशन कार्ड की सुविधा के लिए जिस तरह से वन रैंक वन पेंशन की योजना भारत सरकार की है, उसी तरह ही वन नेशन वन राशन कार्ड या वन राशन कार्ड वन नेशन की योजना लेकर आई है। और मार्च 2021 तक ये टारगेट रखा गया है भारत सरकार के द्वारा कि सभी राज्य इंटरनेट के माध्यम से पोर्टेबिलिटी को कर ले, ताकि जो है ना उनका डाटा आपस में एक्सचेंज हो जाए, कोई भी श्रमिक कहीं भी किसी भी प्रदेश का राज्य का या जिले का किसी भी गांव से राशन कार्ड हो, लेकिन वो योग्य होगा कि देश के किसी भी कोने में राशन कार्ड को प्राप्त कर सके। बिल्कुल, तो वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए जो भी प्रवासी मजदूर है या फिर मजदूर वर्ग है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, तो उसके लिए कहाँ उन्हें जाना पड़ेगा, क्या अभी से उन्हें कहीं कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जिला जो कार्यालय है, जिला कलेक्टर कार्यालय है, उनके माध्यम से या जो खाद्य आपूर्ति विभाग होता है जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर जो व्यवस्थाएं होती है उनके माध्यम से वो कर सकते हैं। हालांकि वैसे 80% के आसपास व्यवस्था की जा चुकी है, ऑनलाइन हमारा पीडीएस सिस्टम है, 20-25% बचा है जो उसको करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। तो इस प्रकार के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जहाँ तक मेरी समझ है श्रमिक भाइयों को मालूम है किस तरह से कराया जा सकता है और कौन सा स्थान है, उनकी जानकारी उनको है। बिल्कुल, तो इसके लिए कई बार ऐसा देखा गया है जो मजदूर हैं जो उनका होम टाउन है वहाँ ना रह के वो कहीं और जाकर भी काम करते हैं, आपने भी इसमें चर्चा की कि अलग अलग जगहों पर काम किया जा रहा है, ऐसे में रहने की अगर बात की जाए तो लोग रेंट पर मकान लेते हैं, तो क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है इसके लिए? अभी COVID-19 के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम भारत सरकार लेकर आई है, क्योंकि सारी जो मुख्य समस्या देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि जो प्रवासी मजदूर किसी शहर में आता है तो उसके सामने सबसे पहले आवास की व्यवस्था की समस्या आती है, और स्लम एरियाज भी इसी तरह से बन गए हैं, कोई गैरकानूनी है, कानूनी तो है नहीं। तो सरकार ने अब एक अफोर्डेबल रेंटल हाउस लेकर आ रही है जिसमें सरकार पीपी मॉडल पे होगा, केंद्र सरकार की जो ज़मीन है उस पर कोई बना सकती है, केंद्र सरकार के कोई भी कार्यालय, राज्य सरकार है तो राज्य सरकार अपनी ज़मीन पर इस प्रकार के बना सकती है। इसी तरह निजी क्षेत्र के लोग भी अगर इसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस बनाकर किराए पर देना चाहते हैं, बाकी सरकार सब्सिडी देगी उनको, तो इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीपीबी मॉडल और अन्य संस्थान भी जो है ना इस पर आगे आ रहे हैं, ताकि प्रवासी मजदूरों को आवास की समस्या से दूर किया जा सके, लेकिन आने वाले समय में उनको लाभ जरूर मिलेगा। जो आम नागरिक हैं उनको भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें विशेष तौर पे, तो ऐसे में क्या कुछ सीधा फायदा मिल रहा है लोगों को? लोगों को सीधा फायदा, देखिए पहला तो सीधा फायदा तो मुफ्त राशन की मैंने बात करी आपसे, ये सीधा का सीधा फायदा उनके पास जा रहा है। आज अभी आप बैंकों में जाकर बात कीजिए तो बैंक का एम्प्लाइज आपको बताएगा कि मैं बड़ा व्यस्त हूँ, शाम को ही बात कर पाऊँगा, क्योंकि बाहर जो है ना वो जो 500 रुपये महिला जनधन खाते में राशि डाली गई है भारत सरकार के द्वारा, उसको लेने के लिए काफ़ी महिलाएँ बैंकों में जा रही है। तो दूसरा सीधी राहत जो है महिलाओं के जनधन खाते में जा रही है, दूसरा फौरी तौर पर उनको लाभ सीधा सीधा मिल रहा है। तीसरा जो है ना सरकार ने जो प्रवासी मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत जो है ना अब रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम के तहत जो है ना आप अपना पंजीयन करा सकते हो, और अनुमान है कि काफ़ी सारा ये 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि मनरेगा में भारत सरकार ने आवंटित की गई है, ताकि आने वाले दिनों में जो प्रवासी मजदूर अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं तो उनके सामने अपने जीवन यापन की जो समस्या आएगी तो किस तरह से दूर करेंगे, तो वो मनरेगा के माध्यम से अपना पंजीयन कराकर कर सकते हैं। जी, ये बात हो गई सीधे फायदे की, फायदों की बात करें और भी ज्यादा सरकार काफी सुविधाएं प्रदान कर रही है इस योजना के अंतर्गत, अभियान के अंतर्गत, तो और क्या कुछ फायदे लोगों को इससे मिल रहे हैं? और इसमें दूसरा जो फायदा अभी भारत सरकार ने किया है वो ये है कि मजदूरी की जो दर थी मनरेगा के अंतर्गत वो 182 रुपये थी, उसको 202 रुपये कर दिया गया है,
तो इस तरह से मजदूरी की दर में वृद्धि कर दी गई है जो सीधे तौर पर मतलब श्रमिकों को फायदा मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। श्रमिकों की बात चल ही रही है और ऐसे में MSME का नाम जरूर सामने आता है। परिभाषा की अगर बात करें तो पहले जो MSME की परिभाषा थी वो कुछ और थी और उस पे अभी देखा जाए तो कुछ बदलाव किए गए हैं। तो महिपाल जी क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? सबसे पहले MSME को लेकर ये बड़े दिनों से MSME के जो एंटरप्रेन्योर थे उनकी मांग थी भारत सरकार के सामने कि पहले 5 लाख रुपए को ही जाना माना जाता था कि वो 5 लाख रुपए का ही जो है उसके अंतर्गत आता है MSME के अंतर्गत 25 लाख रुपए का सूक्ष्म अभियान के तहत माना जाता था और 5 करोड़ स्मॉल के तहत और 10 करोड़ माना जाता था आपका मीडियम के तरह के तहत। लेकिन और इनमें टर्नओवर और इनकम दोनों अलग अलग मानी जाती थी पुरानी परिभाषा में जो बात करें अपन, और अब जो नई परिभाषा में है उसमें जो है आपकी जो नई डेफिनेशन में अब टर्नओवर को और इनकम को दोनों को मिलाकर कर दिया गया है। अब आपका जो सूक्ष्म स्तर का जो उद्योग है उसके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया आय का रख दिया गया है और उसमें 5 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर दिया लेस देन जो भी कम होगा वो जो है आपकी सूक्ष्म स्तर का जो है आपका छोटे स्तर का जो उद्योग है उसमें आता है। दूसरा जो स्मॉल कैटेगरी है उसमें 10 करोड़ रुपए से जो आय है वो कम होगी और 50 करोड़ रुपए का जो है टर्नओवर, इन दोनों को मिला दिया है कि आपका 50 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है या 10 करोड़ से नीचे की इनकम है तो वो इसमें आएगी। और तीसरा जो हमारा मीडियम कैटेगरी है उसमें 20 करोड़ और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखा गया है। तो ये इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, डेफिनेशन बदलने से क्या फ़ायदा हो, सवाल ये आता है। तो पहली जो सीमा थी बहुत छोटी सीमा थी और वो जो है ना उद्योग था अगर इनोवेशन करना चाहता था, नवाचार करना चाहता था, अपना टेक्निक बढ़ाना चाहता था, उत्पादन को बढ़ाना चाहता था तो उसकी श्रेणी बदल जाती थी तत्काल से। जैसे उसने कुछ अपना इनकम बढ़ेगा तो श्रेणी बदलने के चक्कर में जो लाभ उनको सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग के लाभ हो रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग हतोत्साहित थे कि जो है ना बहुत ज़्यादा सुधार करने के पक्ष में नहीं रहते थे। तो अब सीमाएं बढ़ने से लोग, मुझे लगता है कि जो हमारे माइक्रो लेवल के उद्योग धंधे हैं तो वो लोग जो है ना अपने इसमें सुधार करेंगे, अपने इनोवेशन लाएंगे, नई टेक्निक को अपनाएंगे, नई लागत की प्रक्रिया लगाएंगे, नई मार्केटिंग को करेंगे तो निसंदेह उनको लाभ होगा। बिल्कुल, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों के किनारे हम देखते थे और चौपाटीज रहती थी वहाँ पे अपने ठेले लगाते हैं, रेड़ी लगाते हैं और जो सामान है उसको बेचते हैं। तो इस समय में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं लॉकडाउन के समय में, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ फ़ायदा दिया जाएगा आगे चलकर? जो स्ट्रीट वेंडर के लिए भारत सरकार योजना लेके आई उसमें 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, अच्छा खासा बजट रखा है और इनिशियल वर्किंग कैपिटल उन्होंने रखी 10,000 रुपए की जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए अपना ठेला लगाने के लिए, खोमचा लगाने के लिए काफ़ी बड़ी राशि है। और इससे पहले कभी COVID-19 से पहले इस प्रकार की चर्चाएं नहीं होती थी, लेकिन अब स्पेशली इस प्रकार के जो क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो रेहड़ी वालों को आई है और रेहड़ी वाले जो पुनः अपना धंधा पानी शुरू करेंगे तो उनके सामने पूंजी की समस्या आएगी और इस पूंजी की समस्या को भारत सरकार ने दूर करने का प्रयास किया गया है। वो किसी भी बैंक के पास जाकर अपनी 10,000 रुपये की पूंजी बैंक से लोन लेकर वो प्रारंभ कर सकता है और उसकी किस्तें भी देनी पड़ेंगी उसे और जो किस्तें समय पर भरेगा उसकी किस्तों में कुछ उसको छूट का प्रावधान होगा, ऐसा भारत सरकार का कहना है कि जो गुड बिहेवियर जिनका होगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए उनको जरूर आगे लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल, जो छोटे उद्योग चला रहे हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गारंटी की जरूरत पड़ती है जब भी लोन लेने के लिए जाते हैं, तो क्या इस क्षेत्र में भी कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं? हाँ, इसमें जो MSME के समक्ष जो सबसे बात कोलेटरल गारंटी होती है, मतलब कि अगर आप धंधा करना चाहते हो तो बैंक आपसे गारंटी मांगता है कि आप अपनी ज़मीन हमें गिरवी रख दीजिए तब हम आपको 1,00,000 का लोन देंगे। लेकिन अभी भारत सरकार ने 3,00,000 करोड़ तक की कोलेटरल गारंटी जो अगर कोई धंधा शुरू करना चाहता है उसमें रखा गया है वो फ्री कर दिया, 100% गारंटी भारत सरकार की है, भारत सरकार गारंटी देगी उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर भी और उसके इंटरेस्ट पर भी। तो इससे लगता है कि उद्योग धंधे जो हमारा
आप एक अनुमान बताएं कि 40% के आसपास जो है ना हमारा जो लेबर है इसी में लगा हुआ है और काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन हमारा जीडीपी में इसका होता है, तो ये 100% जो क्रेडिट गारंटी दे रही है भारत सरकार, निसंदेह आने वाले समय में सूक्ष्म जो हमारा उद्योग धंधे हैं, माइक्रो है, मैक्रो है, इनको फायदा होगा। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिमांड और सप्लाई जो है उसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई की जा रही है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो किस प्रकार से इसे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में लोग इन्वेस्ट करें, खर्चा करें, जिससे पैसा जो है वो राउंड में चलता रहे। देखिए, इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक डिमांड साइड एस्पेक्ट है, सप्लाई साइड एस्पेक्ट है। डिमांड साइड का मतलब है कि इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, उद्योग धंधे उत्पादन कर रहे हैं और बाजार में उनकी चीज़ नहीं बिक पा रही है। जैसे पिछले दिनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहा था कि हमारी गाड़ियाँ नहीं बिक पा रही, थोड़े दिन पहले आपने महसूस किया रियल्टी सेक्टर के लोग हमारे मकान नहीं बिक पा रहे, इन सब चीज़ों कहते हैं कि मांग नहीं है। तो इन मांग को कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरा होता है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड होता है कि मांग है बाजार के अंदर लेकिन वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो वस्तुओं की पूर्ति कौन करता है, उद्योग धंधे करते हैं। तो इन दो चीज़ों को, मांग और पूर्ति को बनाए रखने के लिए हमारे पास अर्थशास्त्र में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होती है राजकोषीय नीति और दूसरी होती है हमारे पास मौद्रिक नीति, जिसको अंग्रेजी में राजकोषीय नीति को बोलते हैं, फिस्कल स्टिम पॉलिसी, जो कि भारत सरकार के अधीन आती है, वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, जिसमें टैक्स में कमी कर देना, जो पीछे कॉरपोरेट टैक्सेस कम किए गए थे वो उसी के कारण होते हैं। कॉरपोरेट टैक्सेस कम करने से जो है ना भारत सरकार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ सकती है, उद्योग धंधे सप्लाई बढ़ा सकती है। इस तरह सप्लाई बढ़ाने का जो हमारे 35% कॉरपोरेट टैक्सेस था उसको घटा के 17% के आसपास किया गया था, वो इसी का प्रकरण था। दूसरा जो है ना डिमांड किस तरह से बढ़ाई जाए, तो डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार जो है ना FD पर ब्याज रेट कम कर दिया है, जो FD पर 8% 9% ब्याज मिलता है तो उसको काफ़ी कम कर दिया गया है, ताकि लोग अब ज़्यादा FD में आ करें और ज़्यादा ज़्यादा वस्तुओं की मांग करें बाजार में, कल उपभोक्ताओं की तरफ से देखें तो। साथ ही जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे मेजरमेंट लेके आया है, वो भी हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने काफ़ी सारे मेजरमेंट किए हैं, रेपो रेट में चेंज लाए हैं, रिवर्स रेपो रेट चेंज लेके आए हैं, CRR में चेंज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए काफ़ी सुधार किया है, CDB के लिए किया है, NABARD के लिए किया गया है, जो आने वाले समय में उनका अर्थव्यवस्था काफ़ी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अच्छा योगदान होगा। बिल्कुल, तो लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि उन्हें बहुत सोच समझ के लोग खर्चा कर रहे हैं, उत्पादन भी लोग इस समय में काफ़ी इस बात पे विचार कर रहे हैं कैसा किया जाए, कितना किया जाए, तो ऐसी कौन सी बातें हैं, बिंदु हैं, जिसका ध्यान इस समय में रखना विशेष तौर पर ज़रूरी हो जाता है? देखिए, इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों के पास आय का होना, जो लॉकडाउन की वजह से आय कम हो गई है और उसको भारत सरकार ने काफ़ी मुस्तैदी से बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जो मैं अभी पूर्व में बताया आपको कि राशन किन दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं या छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनको फौरी तौर पर अभी जो लाभ दिया जा रहा है वो है कि आप अपने जो है EPF, उनके एक अकाउंट होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, जो उनकी भविष्य निधि का एक अंग होता है, उसमें वो 75% अपना EPF विड्रॉ कर सकते हैं, या 3 महीने की सैलरी जो होती है उसके समान वो EPF अपना विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वो अपने आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो आय में जो कमी हो रही है उससे अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, बाजार में मांग को बनाए रख सकते हैं। दूसरा, इसी तरह EPF की बात निकली है, तो EPF पे लगभग 6,750 करोड़ रुपए का जा रहा है उसमें EPF के माध्यम से, EPF की सहायता से EPF की दरों में कमी कर दी, पहले 12% कटता था, अब भारत सरकार ने 10% कर दिया है, तो इस तरह से 6,750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जो है बाज़ार में बढ़ेगी। और इसी तरह जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 15,000 रुपये की तक की तनख्वाह है,
100 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनका 12% कंट्रीब्यूशन कंपनी देती है, 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का रहता है, वो 24% जो होगा वो सारा का सारा जो है भारत सरकार देगी। तो इस तरह से ये भी किया जा सकता है। या तो चीज जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हल्के से घबराए हुए हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा आगे, हम जो कुछ काम करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं, सब कुछ सुचारू रूप से जो है वो चलता रहेगा कि नहीं, तो उन लोगों को क्या आप बोलना चाहेंगे? घबराने की आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार ने काफी सारे सुधार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लेकर आई है। ये 2-3 महीने की समस्या है, आने वाले समय में COVID-19 से जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, सरकार के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं, जो मुख्य प्रावधान TDS है, TCS है, इनमें काफ़ी सुधार कर दिया गया है, तो GST को कम कर दिया गया है, तो इन सब चीज़ों से अभी फौरी तौर पर राहत दी गई है। आने वाले समय में निसंदेह भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर चलेगी और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं तो उसकी जो तिथि है वो भी बढ़ा दी। हाँ, अभी अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। GST का है, टैक्स असेसमेंट का है, TDS का है, और इवन जो नॉन सेलिंग टैक्स वाली बात है उसमें 25% तक की कमी भी कर दी भारत सरकार के द्वारा, तो ताकि उससे जो TDS पे कटता था उस पे काफी पैसा उनको मिलेगा। बिल्कुल, हम जो भारतीय होते हैं वो निवेश करने में, जिसका हमें अच्छे रिटर्न्स मिले उसमें बहुत ज्यादा हमारा इंटरेस्ट रहता है, तो अभी इस समय में आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स लगते हैं जहाँ निवेश किया जा सकता है? देखिए, निवेश करने के लिए अभी तो आवश्यकता ज्यादा स्टॉक मार्केट में जिसकी समझ वो जाए, अदरवाइज जो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम चल रही है अगर उनके पास सरप्लस मनी है तो वो सेव करें, अदरवाइज अभी अपने COVID-19 में अपनी मांग को बाजार में बनाए रखें, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, माइग्रेंट्स जो वर्कर्स होते हैं, प्रवासी मजदूर, इस समय में हमने बात भी की कि कैसे वो इस समय का फायदा उठा सकते हैं, मतलब जो भी परेशानी जा रही है उससे बाहर निकल सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें घबराहट बिल्कुल ना हो? प्रवासी मजदूरों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, उसके बाद भी प्रवासी श्रमिक चिंतित हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो सरकार ने दोनों जगह प्रावधान कर दिए हैं, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करा दी, गाड़ियों की व्यवस्था कराई जा रही है, और साथ ही अपने ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे तो मनरेगा के माध्यम से उनको रोजगार की सुनिश्चित किया जा रहा है, और अगर वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर भी रहते हैं तो वन राशन कार्ड की योजना के तहत उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तो पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, माइक्रो फूड जो एंटरप्राइजेस होती हैं उसके तहत क्या कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज के लिए जो थर्ड जो पैकेज था भारत सरकार का, वो मोस्टली इंडस्ट्रीज को ही, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही दिया है, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का बजट फूड माइक्रो इंडस्ट्री में रखा है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे ही। मध्य प्रदेश की जो 33% जो लैंड है वो फॉरेस्ट बेस्ड है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा हम फोकस करते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्री को लेकर। अगर मध्य प्रदेश में फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, जैसे गुजरात काफ़ी काम कर रहा है फूड इंडस्ट्री के ऊपर जबकि वह फॉरेस्ट नहीं है, तो फूड एंटरप्राइजेज में भारत में बड़ी स्कोप है अभी, और इसके अंदर मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो सारे सुविधाएँ, वो सारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं जिसके तहत हम फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस लगा सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सबके अनुकूल बैठता है। जी, तो जो प्राकृतिक संसाधन है विशेष तौर पे इनको हमें नज़र में रखना पड़ेगा कि कैसे हम इनका सदुपयोग कर सकते हैं, इसमें जो अपना उद्योग है उसे स्थापित कर सकते हैं या फिर इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फूड इंडस्ट्री के अंतर्गत आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से, आप अचार है, मुरब्बा है, आपकी दालों के माध्यम से, बड़ी के जो उद्योग हैं ये सब बनाया जा सकते हैं, इनको स्टोरेज, ये पैसा उसी में रखा जा रहा है, आपको जो ना कोल्ड स्टोरेज दिया जाएगा, इस प्रकार के सुविधाएं हैं। बिल्कुल, और किसी को अगर लोन चाहिए तो उसके लिए भी अब सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बहुत सारी सुविधाएं जो है लोगों को प्रदान की जा रही हैं जिसका हम उठा सकते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, COVID-19 एक महामारी है
जो अकेले भारत ही उसका सामना नहीं कर रहा, पूरा विश्व उसका सामना कर रहा है। भारत सरकार इस महामारी के संकट में आपके साथ खड़ी हुई है, राज्य सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, राज्य सरकार के केंद्र सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, चाहे श्रमिक क्षेत्र श्रमिक लोग हों, चाहे हमारे कोई भी क्षेत्र हो, उनमें इस भारत सरकार राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। आने वाला समय हमारे देश के लिए अच्छा होगा, यही मेरा संदेश है। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमारी जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जिसके तहत जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सकता है, लोगों को कई सारी सुविधाएं जो है प्रदान की जा रही है। लेकिन ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बोला जाता है वैसे भी कि जान है तो जहान है, तो अगर हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है लेकिन खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करके रखें, जो भी प्रिकॉशंस है, जरूरी नहीं है कि बस ये अभी के लिए है, ये हमें अब लाइफ लॉन्ग अच्छा ही है। हमारी संस्कृति में भी वैसे भी बोला गया है कि नमस्कार करना सबसे बेहतर रहता है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्स पहुंचती हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, खुद स्वस्थ रखना पड़ेगा, हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार आ जाएगा। महिपाल सिंह यादव जी, आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को आज के विषय पे दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।